मध्य प्रदेश में विगत एक सप्ताह से चल रही शीतलहर का असर अब जिले में भी दिखने लगा है। शीतलहर के चलते जहां एक ओर पारा 5 डिग्री तक आ गया, वहीं दूसरी ओर शीतलहर के चलते पहले स्कूलों के समय में परिवर्तन और अब स्कूलों के अवकाश की घोषणा करना पड़ रही है। अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में भगवान के भक्तों को प्रभु की चिंता सताने लगी है और मंदिरों में भक्तों ने भगवान को गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर दिया है। नगर के प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर में भक्तों ने शीतलहर को देखते हुए भगवान को गर्म वस्त्र पहनाने शुरू कर दिए हैं, हीटर भी लगा दिए हैं। भक्त और मंदिर के पुजारी का कहना है कि जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो भगवान की मूर्ति में प्राण वायु का संचार होने लगता है, जिससे इंसानों की तरह भगवान पर भी सभी मौसम का असर होता है। अभी शीतलहर चल रही है, इसलिए भगवान को गर्म वस्त्र पहनाए हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण सैनी। प्रेम नारायण जी, हम देख रहे हैं कि भगवान को यहाँ पे गर्म वस्त्र पहनाएगा, तो इसके पीछे क्या कारण है? हम भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान प्राण प्रतिष्ठा वो संचार हो जाता है, तो उसकी वजह से शीतलहर वगैरह चलती है। भगवान को भी अब इंसान को ना ठंड लगती है, सब कुछ होता है, उनको गर्म कपड़े पहनाते हैं और उनके लिए हीटर भी लगाया गर्म के लिए, तो गर्मी का मौसम आता है उस तो कूलर वगैरह भी लगाते हैं, तो इंसान के जैसे अपने ठंड लगती है वैसे भगवान को भी ठंड लगती है। उसका कारण यह है कि भगवान वैसे तो सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद के लिए हम समर्थ ही नहीं है कि उनको कुछ पहना उड़ा सकें, लेकिन हमारी भक्ति भावना के कारण जब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती तो उनमें प्राण का संचार होता है, प्राणों का, तो उसी भावना से सर्दियों में जो है भगवान को सर्दी ना व्यापे ऐसी हमारी भावना रहती है, जिससे हम उनको सर्दी के दिनों में गर्म वस्त्र, ऊनी कम्बल एवं जैसा उनके वस्त्रों की व्यवस्था होती है उनको गर्म वस्त्र धारण कराए जाते हैं। सीहोर से कवि छोकर की ये रिपोर्ट।